हमने आगे बढ़ाया, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर 1200 आना चाहिए, प्लस करने पर 80 आना चाहिए, तो वो सम नंबर करो प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास एच स्क्वायर माइनस 60 प्लस 20 एच प्लस 1200 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एच स्क्वायर माइनस 60 एच माइनस का यहाँ पर 20 एच प्लस का 1200 इज इक्वल टू जीरो, इसमें से एच कॉमन लेंगे एच माइनस 60, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे एच माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो एच माइनस 60, और यहाँ हो गया एच माइनस का 20 इज इक्वल टू जीरो। एक एच की वैल्यू 60 हुई और एक एच की वैल्यू 20 हुई, ये आपका आंसर। तो इसमें से जो वाला ऑप्शन इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आपका ये 1 में था h by 20 और ये एच स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है ना ये ब्रैकेट हमारा इधर चला गया, तो ब्रैकेट के अंदर h by 20 से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इन दोनों को इस साइड में ले आए और सिंपल हमने किया तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इसका ये सोल्यूशन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बुक्स में आपको आप ढूंढेंगे तो आपको मिल भी सकता है अगर अच्छी बुक होगी आपके पास। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है हमने भी जो है इसको देखा, तो अचानक से मैंने ये एंगल दोनों एंगल से एक बार और समझा दें, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान दें, मैं आपको बता रहा हूँ दो एंगल होते हैं, अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटी को वेरीफाई करना तो आप अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री या बी की वैल्यू 60 डिग्री मान लें। सर हाँ बोलो सर, यहाँ पे 20 आया तो सर ये भी तो चेंज होगा फिर एलसीएम वाला। नहीं नहीं वो मैंने चेक किया, मैंने लिखा आपको वैल्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा था ना, तो अभी जो है मेरे पास ध्यान में था तो मैंने एलसीएम तो आपका सही लिया, यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा। 20 से इसमें डिवाइड करोगे ना, जीरो से जीरो कटेगा और ये हमारे पास जो है 2 से 240 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 ही आएगा। सही है बेटा, आप चेक कर लीजिए, कर सकते हैं आप कर लीजिए, वो जीरो छूट गया था। तो यहां देखिए 10a plus b is equal to 10a plus 10b by में 1 minus 10a 10b, यहां जब ये प्लस है तो ये प्लस होता है नीचे माइनस होता है, अगर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस होगा नीचे क्या होगा प्लस होता है, ये चेंज होता है। ऐसे ही साइन a plus b की आइडेंटिटी अलग होती है और cos a plus b की आइडेंटिटी अलग होती है, tan की अलग होती है, cot की अलग होती है। अभी आप कहेंगे तो मैं आपको नोट भी करा दूंगा इसको, तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ फिर आइडेंटिटी भी आपको मैं नोट करा देता हूँ। तो ये यहाँ पर इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर जो है दो पार्ट में, करा दीजिए सर लोअर, मैं बता रहा हूँ बेटा लोअर पार्ट जो है होल पार्ट का 1/3 है, तो ये एच वाई में 3 हो गया। अब यहां से अपर पोर्शन को ऑब्जर्वर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन का उसका जो है अल्फा यानी उसकी वैल्यू जो है 1/2 होती है, पोर्शन में कहा गया है। हमें जो है इसमें से इस एच की वैल्यू को फाइंड करना है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच कैसे निकालना। तो हमने छोटे ट्रायंगल पे बीसी और एबी पे रिलेशन निकाल के इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसके बाद जो है बड़े ट्रायंगल में हमने वही 10 का आइडेंटिटी लगाया एच वाई में 20, यहाँ a प्लस बी की आइडेंटिटी से इसे खोल दिया और इसमें सबकी वैल्यू पुट करके आप सिंप्लीफाई कर दिया, ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो अभी ये भैया ने कहा कि वो जो है a प्लस बी की आइडेंटिटीज को मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, तो अगर कहीं बाई चांस आपको आता है एग्जाम में या कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने फंस जाता है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो मैं वो काम करा दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं इधर साइड में थोड़ा इधर निकालूंगा इस साइड को। यस सर ओके, तो अभी मैं इसमें पहले शुरू कर रहा हूँ, साइन की आइडेंटिटी आपको लिखवा देता हूँ, कॉस की और टेन की, ये तीनों आपको जो है
तो इसमें पहला जो है हमारे पास पहली आइडेंटिटी आती है, ये है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको आप ए और बी की वैल्यू रख करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आप चेक कर लेंगे। ये दूसरा है इसमें साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपके साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी होगी। कॉस में आप देख लेंगे ये होता है कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए आ गए। तो स्टूडेंट्स आज थोड़ा नेटवर्क भी जो है इसमें ये आपका यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी यहाँ माइनस होगा, और नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी होगा, तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और ये साइन बी। तो ये आइडेंटिटी जो है सम की और डिफरेंस की होती है। इस आइडेंटिटी में आप आसान है, ए की वैल्यू आप 60 रख लो, बी की वैल्यू जो है आप 30 रख लो, क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू भी हमारी जो है हमारी 30 मिल जाएगी और सम की वैल्यू 90 मिल जाएगी। लेफ्ट और राइट को आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये किसी भी एंगल के लिए सारी आइडेंटिटीज जो है ट्रू है। तो 10th के लेवल में आपका यही है, अगर इसी को 11th में पढ़ाना होता तो जो है मैं इसको सम पर जो है दूसरे ट्रायंगल के माध्यम से इसको प्रूफ करना सिखाता, लेकिन अभी हमारे पास जो है अभी केवल आप आइडेंटिटी जानिए। अगर बाय चांस कभी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जिससे आपको दिक्कत हो रही है तो आप इनका यूज कर सकते हैं और इनमें अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग सबके एक एक क्वेश्चन सर sec cosec cot का नहीं है? नहीं, cot का भी है और cosec का भी है, sec का भी है। अभी क्या होता है ना कि sin cos tan में क्या होता है कि sin से आपका cosec बन जाता है और cos से sec बन जाता है, tan से ही cot बन जाता है, तो उसका वो बहुत ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। हमारे 6 रेशियो में से शुरू के 3 रेशियो की वैल्यू हमें मालूम है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में इसके बाकी वैल्यू को हम आसानी से इजी से काम चला सकते हैं। जो काम sin करेगा वही cosec भी करेगा, जो टेन करेगा वही कॉट करेगा, और जो यहाँ पर जो है हमारा कॉस कर रहा है वही सेक भी करेगा। तो इसलिए जो है अभी आपको 3 में आपका सफिशियंट, 10th में हमको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ ना, तो फिर भी जो है जानकारी के लिए कि अभी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे तुरंत जो है देन एंड देयर आप उसे दूर कर सकते। ठीक है बेटा सर, हम यस आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? अनम्यूट कर रहा हूं मैं सबको। यस सर। सर बोलिए सर, जैसे इस क्वेश्चन में सर आप ये वाला 10 ए प्लस बी वाला यूज किए ना, तो उसमें सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये वाला यूज होगा कि कोई और यूज होगा? हाँ पापा, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, यहाँ पे हमें कैसे मालूम चलेगा? एक्चुअल में जो क्वेश्चन में कहा गया है ना कि अपर पोर्शन, जब हम एलिवेशन की बात करते हैं तो बेस के एंड पॉइंट से यानी बिल्कुल जमीन से बेस से टॉप तक की पूरी हाइट के बारे में डिस्कशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया होता है। इसमें क्या है कि ऊपर जो है हमारे पास आधे पोर्शन को देखा जा रहा है, तो केवल ऊपर का ये आधा पोर्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर है इसमें ये पोर्शन है यहाँ से, तो केवल इसको देख रहे हैं, तो ये जो है हमारा अल्फा दिया गया है जिसकी वैल्यू जो है 10 अल्फा इक्वल टू 1/2 दी गई, तो केवल इसकी बात हो रही है। तो जब यहाँ पर आधे की बात हो रही है तो ये एलिवेशन हमारे पास तो नहीं है, एलिवेशन जब भी होगा वो पूरा एंगल ऊपर से लेकर नीचे तक होगा। तो आधा वैल्यू अगर हमें दिया गया है और आधे की चर्चा और करनी है तो इस एंगल को हम कुछ मान लेंगे,
अब इस छोटे ट्रायंगल में हम अलग हिसाब से देख लेंगे और बड़े ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा का यूज कर सकते हैं। यहां से हमें मालूम चल जाएगा, ऐसा बोलेगा कि हाँ ऊपर की दो, जैसे होता है ना कि ऑब्जर्वर हमारा जो है टॉप पर होगा और जो है अगर ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड में है और टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जर्वर हमारा जो है टॉप पर है ग्राउंड पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जो है ये दोनों इंड पॉइंट जो ऊपर ऊपर जो है हमारे दोनों हाइट में ही है, बेस भी हाइट में है और टॉप भी उसका हाइट में है, यानी नीचे के पोर्शन में एंगल इंक्लूड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ए प्लस बी और ए माइनस बी की बात हम करते हैं। ठीक है बेटा? Yes. अगर इसी क्वेश्चन में नीचे ग्राउंड दिया गया होता ये वाला एंगल और पूरा एंगल पूछा जाता या इसके आधे एंगल पूछा जाता है तो हम तो भी हम इसका यूज करते हैं, वहां भी डिफरेंस लगाकर हम काम कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम और डिफरेंस का यूज करते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर हमारे हाफ ईयरली होंगे क्या? आपके हाफ ईयरली, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने बेटा, हाफ ईयरली आपके अवश्य होंगे, बिना इसके तो आगे बढ़ नहीं सकता मामला, तो ये जब ही होंगे क्योंकि आप ऑनलाइन एमसीक्यू में हाफ ईयरली तो नहीं होगा ना, हाफ ईयरली रिटेल में होगा। तो अभी ये चल रहा था गूगल क्लासरूम पर, आप लोगों के असाइनमेंट वाला हिसाब किताब देखा जा रहा था इसे आप सॉल्व कर रहे थे, लेकिन वो 100% बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे, टेस्ट में भी 100% नहीं है, लेकिन जो है रेशियो गूगल क्लास से टेस्ट देने वालों का रेशियो काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम बच्चे हमारे जो है ये गूगल फॉर्म पर जो टेस्ट हो रहा है आपका एमसीक्यू बेस्ड उस पर जो है वो आ जा रहा है, लेकिन जो है गूगल क्लासरूम पर जो हमने असाइनमेंट जो भेज रहे हैं उस पर बच्चे जो है उतना अभी कन्वीनियंट उनको सुविधा नहीं हो रही है, काफी कम संख्या आ रही है, गिने चुने जो है बच्चे आ रहे हैं, अगर संख्या हमारी 49 के आसपास है तो जरूर उसमें जो है 20-25-30 ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो बाकी का टेस्ट न छूटे क्योंकि बार बार पूरा साल भी एग्जाम कराने में निकल जाएगा, इसलिए जो है हम भी वेट कर रहे हैं कि जैसे स्कूल खुले जितना पढ़ाया गया है एक हफ्ते 10 दिन जो भी आपका टाइम होगा उस ड्यूरेशन में आपका रिवीजन करा करके उसने ही कोर्स का हाफ ईयरली एग्जाम का टेस्ट यहाँ पर लिया जाए। तो वो यहाँ प्लानिंग हो गई है, हॉस्टल पूरी तरह से फिट है, सभी टीचर यहाँ पर आपके आने का केवल वेट कर रहे हैं, सारा प्लान यहाँ पे बन चुका है बेटा, बस जो है एक सूचना मिले कि हाँ अब आप स्कूल खोल दीजिए, आपको तुरंत सूचना यहाँ से जाएगी, सभी क्लास टीचर एक एक स्टूडेंट को पर्सनली फोन करेंगे और कि हाँ बेटा अब आप आ सकते हो, आपका वेलकम। कब तक खुलेंगे स्कूल? हाँ बोलिए। भूत चाहिए लेकिन मीटिंग हुई थी ना सर, क्या हुआ? हाँ बेटा मीटिंग हुई थी ना सर। हाँ बिल्कुल हुई थी बेटा ना, उसमें दिक्कत ये आई ना कि उत्तर प्रदेश में एक योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ उत्तराखंड में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, तो ये दोनों लोगों ने आपस में साठगांठ कर रखी है बेटा, ये कह रहे हैं कि 30 तक जो है 30 सितंबर तक हम नहीं खोलेंगे और यहाँ योगी जी भी कह रहे हैं 30 सितंबर तक हम भी नहीं करेंगे, तो अब जो है उनसे इन दोनों से पंगा कौन लेगा बताइए। तो इसलिए यूपी वाले बच्चे कैसे आएंगे लेंगे सर पंगा? आप ले सकते हो बेटा, बेटा तो केंद्र सरकार ने आपको अलाउ कर रखा है, लेकिन जो है अब जब कोई साधन चलेगा गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर क्या है कि जो बॉर्डर है एरिया है ना वहां पर आपको ई पास लग रहा है कि बिना पास के आप न इस साइड आ पा रहे हो न यहाँ वाले उस साइड जा पा रहे हैं, तो यहाँ से तो चले जाएंगे नहीं, वहां से आने में आपको दिक्कत होगी, थोड़ी देर के लिए ही जाना पड़ेगा सर, 1 घंटे या फिर पॉइंट हमारा बहुत गजब बोला आपने, तो थोड़ी देर का तो समस्या है, लेकिन जो है सर तो क्वारंटाइन हो गया, अभी कोई स्कूल किसी स्कूल में कोई बच्चे अभी नहीं आए ना बेटा, तो अभी रिस्क लेना अभी नहीं, जैसे कोई गाइडलाइन आ जाती है जानकारी मिल जाती है सबसे पहले आप लोग आओगे, कोई स्कूल खुलेगा तो सबसे बिहार होगा। ठीक है बेटा? हाँ बोलिए। यस आर्यन जी सर, आइडेंटिटीज के सर एक एक क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करवा दीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिस करा देंगे बेटा आइडेंटिटीज पे, सबसे आसान काम अभी आपने क्या है, मान लीजिए कि ये जितनी आइडेंटिटी दी गई है ना इस आइडेंटिटी को लिखा गया है प्रूफ दैट दिस आइडेंटिटी, तो उसमें आपके पास क्या है, आपके पास दो एंगल होने चाहिए और उन दोनों एंगल के सम आपको पता होना चाहिए, तो ऐसे मान लीजिए ए एक एंगल ले लीजिए, बी एक एंगल ले लीजिए और ए प्लस बी की वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए, ऐसा एंगल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ए भी आपने 45 लिया बी भी 45 ले लिया,
तो ए और प्लस बी 45 का सम कितना होता है 90। तो आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 की वैल्यू भी आपको पता है, 45 की वैल्यू भी पता है, 45 की वैल्यू भी पता है। किसी भी आइडेंटिटी में आपको जिसको आपको इच्छा हो रही है चेक करना है, उसमें ए की जगह 45, बी की जगह 45 और ए प्लस बी की जगह 90। अब जहां डिफरेंस वाला है ए की जगह 45, बी की जगह 45, ए माइनस बी की जगह 0, आप पुट करिए और चेक करिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आते हैं। यदि ऐसा होता है तो आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई, ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप चाहो तो ए की वैल्यू 60 ले लो, बी की वैल्यू 30 ले लो, तो ए प्लस बी 60 के और प्लस 30 90 होता है, 60 माइनस 30 हमारा जो है 30 होता है, तो आप उसकी वैल्यू भी रख करके इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आप 10 में जो काम आप कर सकते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। यस सर, इस टाइप के क्वेश्चंस करवा दीजिएगा आप। इस टाइप के सर जो यार क्वेश्चन था ना, कि मैं कुछ भी हो जा रहा है, मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ वे जो है सभी अच्छे क्वेश्चन, और आपस में डिस्कशन का एक फायदा ये होता है ना कि जो मान लीजिए कोई मेन मेन क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो सबके पास नहीं है, तो वे आपके थ्रू हमारे पास आ जाते हैं, तो वो जो है आपको आपको भी समझा दिया जाता है, सभी बच्चों तक वो क्वेश्चन उसका सोल्यूशन पहुंच जाता है, तो इसमें सबका जो है बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैक्सिमम वेराइटी, अब बोर्ड के पेपर में कोई बस नहीं चल सकता हमारा, जो पेपर आएगा वही पेपर को हमें सॉल्व करना है, तो हम अपनी तैयारी पर जितना फोकस कर सकते हैं वो सारे काम हम कर रहे हैं। तो बाई चांस अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उसके लिए भी ये तैयारी आपके लिए सफिशियंट। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था आपके एग्जाम के लिए ही, जो है जो पेपर थे उसी में से एक क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था और वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। तो आगे से ऐसा कोई दिक्कत वाले क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो रेडियन होता है ना, रेडियन, यस रेडियन, सर हम उसको 90 लेते हैं हमेशा। मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लासिफाई कर दे रहा हूँ, 90 नहीं लेता। जैसे होता क्या है कि रेडियन, अभी आपको रेडियन में चेंज करना, एंगल में चेंज करना, ये अभी आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अभी 10th में जो जानना चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ क्या होता है रेडियन में। जैसे हमारे पास 90 डिग्री है और 180 डिग्री, इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये 45 डिग्री, ये सभी एंगल्स जो है हमारे पास इस समय क्लास 10th में है। तो रेडियन में क्या होता है, 180 डिग्री को पाई माना गया, यानी कि अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से कन्वर्ट कर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 90 को अगर हमें करना है तो रेडियन में आंसर इसका होगा 90 इंटू पाई बाई 180, दैट इज इक्वल टू पाई बाई में 2। 180 को लिखना है 180 इंटू पाई बाई में 180, दैट इज इक्वल टू पाई। 30 डिग्री है, 30 इंटू पाई बाई 180, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाई में 6। और 60 डिग्री है, 60 डिग्री पाई बाई में 180, यानी हो गया पाई बाई में 3। और 45 डिग्री है पाई बाई में 180। अब यहां पर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास पाई बाई में 4। तो ये जो वैल्यू है ये रेडियन में उनकी वैल्यू है और ये सारी वैल्यू जो है डिग्री मेजरमेंट है। समझ में आ रहा है चीज सर? तो कोई भी डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें केवल पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए, उस डिग्री उस वैल्यू की रेडियन मेजरमेंट जो है आपके सामने आ जाए। अगर किसी भी रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रेडियन मेजरमेंट डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट हो जाए। बहुत आसान सा चीज है, आप अभी समझ लेंगे तो आगे क्लासेस में आपको बड़ा सुविधा हो जाएगा, आसानी होगी। और कई कई जगह आपको 10th में भी जो है नई नई जो बुक्स आप पढ़ रहे होंगे उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल जाते होंगे जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये रास्ता बताया। और कोई प्रॉब्लम बेटा? ये एक डबल ए नाम से जो है आयुष एक बालक है, ये कौन से है, ये अपना थोड़ा पूरा परिचय बताएं ताकि यहाँ पे अटेंडेंस लग सके बेटा। डबल ए,
जून क्लास में स्क्रीन पर जिन्होंने अपने नाम में डबल ए लगा रखा है वे कौन से आयुष है एक बार क्लियर करें। आयुष जुकरिया सर। आयुष जुकरिया ओके जी सर। नाम को चेंज करने का ऑप्शन आता है बेटा, आप चेंज कर सकते हो, अपना पूरा नाम लिखो ओके ना, आयुष जुकरिया ओके। हाँ बेटा, और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे स्क्रीन सेवर में ये जो है अपना बड़ा भात भात प्रकार के फोटो लगवाते हैं, लगा रहे हैं ना, जैसे आयरन मैन वाली फोटो लगी हुई है, कुछ लोगों ने अपने स्क्रीन सेवर पे जो है हल्क का फोटो लगा रखा है, तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं बेटा, क्योंकि आपको आपके स्क्रीन को जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सबके यहाँ भी जा रहा होगा स्क्रीन, और वे सभी लोग जो है आपको देख रहे होंगे, तो सबकी आइडेंटिटी जो है वहां से मालूम चल जाती है, ये थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आपका नहीं जाता, तो इसलिए जो है अपनी फोटो आप लगाइए। और आप ये फोटो लगाने की भी क्या जरूरत है, आप जो है सीधे जो है अपनी वीडियो ऑन रखिए, फोटो दिखेगी नहीं। अंशुमान जी ने भी जो है कुछ लगा रखा है नॉलेज का कुछ, बीजेपी उन्होंने जो है अपना प्रयास किया, सराहनीय प्रयास है। और श्रेय जी अपनी वीडियो ऑन कर ले। तो अभी इसमें क्या है कि हम आगे जब नेक्स्ट जो अपना जो हमारा टॉपिक है छोटा सा चैप्टर है सर्कल, ठीक है, तो सर्कल में हम जो है सर्कल के अभी अगला जो हमारा होगा टेस्ट होगा वो सर्कल से रिलेटेड होगा, और साथ साथ जो है फिर से हम क्या करेंगे सर्कल के केवल सर्कल ही रखेंगे, सर्कल में आपका ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन तीनों को फिर से हम इंक्लूड रखेंगे, उन तीनों को ढंग से अभी तैयार करना है। सर्कल चैप्टर 10, 9, 8, 8, 9, 10 अगले टेस्ट में तीन चैप्टर का कंबाइंड आपको टेस्ट लिया जाएगा, ये तीन चैप्टर आपको ढंग से फिर से तैयार करने हैं, क्योंकि जब आप अपनी एग्जाम की जो प्लानिंग करेंगे उसमें इससे सहूलियत हो जाएगी, आपकी तैयारी जो है जबरदस्त रहेगी। आपको बताना चैप्टर्स के नाम बताओ। तो अभी आप इन तीन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे पास भेजते रहेंगे, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूंगा, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जैसे होते हैं ये आपके अगर फंस जाते हैं या नहीं आते उस समय, तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया करें, या आप मुझे जो है पहले एक बिफोर एक दिन गैप होता है ना, तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसको एक दिन पहले मुझे आप बता देंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम आपका कम लगेगा और सीधे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाए, तो मुझे जो है आप एक बार फोन कर दिया करें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे, तो मैं आसानी से आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पर क्लास टाइम में दूर कर पाऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये तीन चैप्टर आपका है आपका कंटिन्यू रहेगा, पिछले दो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल, सर्कल को भी इंक्लूड कर दिया गया है, सर्कल में कुछ जो थ्योरम्स है उनकी प्रॉब्लम्स है मैं आपको बता दूंगा, और इन तीन से रिलेटेड जो है तीनों के क्वेश्चन आपको एक साथ दिए जाएंगे। फिर इसके बाद अब आगे टेस्ट होंगे, उसमें चैप्टर कई चैप्टरों को कंबाइंड करके टेस्ट लिया जाएगा आपसे, एक एक चैप्टर का टाइम गया, ठीक है बेटा ओके सर। सर और कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना चाहते हो ड्राइंग मत कर सर, एक बार चैप्टर का वापस नाम बता दो। हाँ बेटा सर जी सर, जो टेक्स्ट टेस्ट वो चैप्टर का नाम बता दो एक बार वापस, चैप्टर का नाम बता दो। आज जो टेस्ट आएंगे, अच्छा जो आएंगे अभी, अच्छा पहला है फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा चैप्टर है सर्कल। 8, 9, 10 चैप्टर नंबर 8, 9, 10 ये तीन चैप्टर का टेस्ट होगा, और इसमें अभी हमारे पास 74 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। सर जी हाँ यस सर जी, सर जी वो जो हमारा टेस्ट होता है सर मैथ का, सर उसका टाइम ज्यादा मिल सकता है सर मैथ में, मैथ का टाइम ज्यादा मिल सकता है सर, थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल। देखो एक्चुअल में आपका बात अपनी जगह पे जायज है, मैं बिल्कुल प्रयास करता हूँ इस बार मैं क्वेश्चन दूंगा, तो थोड़ा सा आपको जो है 10 मिनट का समय रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बढ़ा देंगे, ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड में तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लिंक आपकी थोड़ी खुली रहेगी। सर एक मिनट और कोई, मैंने वैसे भी कह रखा है 5-10 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा टाइम सर दे देते, अपने आप ही दे देते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट उनका प्रेम ज्यादा है, श्रद्धा भी रहती है उनकी, बोलते हैं कि हाँ मैथ वाले हैं थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, विष्णु सर से थोड़ी दोस्ती अच्छी है। और
तो अभी जो है इस समय बच्चों आप लोगों ने जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है कितने लोगों ने पढ़ लिया अभी? मुझे पढ़ लिया। अच्छा गजब कर दिया इन्होंने। स्पंदनम ने, स्पंदनम शर्मा ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ ली है पूरी, पढ़ ली पूरी, पूरी तो नहीं पढ़ा होगा, पूरी तो जो है वहां पर भी सीबीएसई के साइट पे भी नहीं है। तो जितना क्या था उसमें सबके पास आ रहा है न्यूज़पेपर्स में टीवी वगैरह में जो है जो जितनी जानकारी दी जा रही है उतना भी आपको जानना जरूरी है। जो कंक्लूजन है कुल मिलाकर के जो आज के डेट में जो एजुकेशन के नाम पे जो बिजनेस चलते हैं ना तो उन पर ही जो गवर्नमेंट ने जो है हथौड़ा चलाया है, बाकी तो सब ठीक ठाक। पढ़ने वालों के लिए उसमें बहुत सारे चॉइस है और उनके पास जैसे पहले दो बोर्ड होते थे अब जो है चार हो जाएंगे, पांचवी आठवीं दसवीं बारहवीं नहीं रहेगी कि हाँ 90% 100% आ गया 99% आ गया तो एडमिशन लेना है अभी, तो गला घोटू कंपटीशन खत्म।